देखिए, रायबरेली का और मेरे परिवार का शायद हिंदुस्तान में सबसे पुराना रिश्ता है। शायद ऐसा कोई और परिवार नहीं है जिसका 100 साल का रिश्ता जैसे हमारा है। यहां पहले जवाहरलाल नेहरू मेरे परदादा आए थे, किसानों का आंदोलन हुआ, किसानों पर गोली चली थी, और मैं कह सकता हूं कि जवाहरलाल नेहरू को राजनीति करनी रायबरेली के किसानों ने, रायबरेली के लोगों ने सिखाया था। और ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति को रायबरेली ने राजनीति सिखाई वो देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने देश की नींव रखी थी। तो एक प्रकार से रायबरेली ने हिंदुस्तान का जो राजनीतिक फाउंडेशन है, जो नींव है, रायबरेली के किसानों ने, रायबरेली के मजदूरों ने, रायबरेली के युवाओं ने रखा था। उसके बाद यहां इंदिरा गांधी जी आई, बैंक नेशनलाइजेशन हुआ, हरी क्रांति हुई, उसमें भी आपकी देन थी। और फिर सोनिया गांधी जी आई और अब मैं यहां आया हूं। और देखिए, राजनीतिक रिश्ता एक होता है मगर पारिवारिक मोहब्बत का रिश्ता भी दूसरा होता है। और मैंने 4000 किलोमीटर कर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली और मोहब्बत की दुकान छोड़ो, आपने यहां मोहब्बत का मॉल खोल दिया है, सुपरमार्केट खोल दी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपकी सेवा के लिए यहां आया हूं। आपके दिल में जो है, आपके जो सपने हैं, उनके लिए आपके साथ लड़ने आया हूं। और आपने इतने प्यार से, मोहब्बत से मेरा स्वागत किया है, तो इसका धन्यवाद करता हूं आपसे। देखिए, रायबरेली में हमने काफी काम किया। मीडिया के दोस्त, मैंने मीडिया को दोस्त कहा, दो तीन यहां हैं हमारे मीडिया के मित्र हैं, मुस्कुरा रहे हैं, चेहरे दिख रहे हैं, मगर सच बताऊं तो ये हमारे दोस्त नहीं है, आपके दोस्त नहीं है, किसानों के दोस्त नहीं है, अदानी के दोस्त हैं। ये जो है, ये जो स्ट्रिंगर हैं, जो ये कैमरामैन है, ये बेचारे, इनकी गलती नहीं है, इनको सैलरी लेनी है, बच्चों को पालना है, तो इनकी गलती नहीं है। मगर जो बड़े मालिक हैं इनके, बड़े बड़े मैनेजमेंट के लोग हैं, बड़े एंकर्स हैं, वो तो अदानी जी के हैं, आपके हैं ही नहीं, हमारे हैं ही नहीं। हाँ, वो 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखाएंगे। कभी आपने मीडिया में किसान देखा है? टीवी पे कभी किसान को देखा, मजदूर को देखा? ये जो यहां बेरोजगार युवा है, उनको देखा कभी टीवी पे? टीवी देखो तो ऐसा लगता है भैया हिंदुस्तान में तो गरीबी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, कुछ नहीं है। और सड़कों पे जाओ, सबसे बड़े मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, भागीदारी। रायबरेली अमेठी में काफी काम किया, रायबरेली में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया, लालगंज रेल कोच फैक्ट्री दी, एनटीपीसी थर्मल पावर स्टेशन, एम्स जिसको बीजेपी ने बंद कर रखा है, स्टॉल कर रखा है, स्पाइस पार्क जो बीजेपी ने बनने नहीं दिया, शारदा कनाल, गंगा ब्रिज, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, निफ्ट, फुटवेयर डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। और जब यूपीए की सरकार थी, अमेठी और रायबरेली में हाईवे के जाल बिछा दिए थे हमने,
अमेठी को, रायबरेली को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ा और पूरे रायबरेली अमेठी का जबरदस्त फायदा हुआ। मगर मीडिया वाले ये बात नहीं कहेंगे, मीडिया वाले आपको अदानी अंबानी की शादी दिखाएंगे। देखिए आपने अंबानी की शादी देखिए, 10 करोड़ रुपए की घड़ी, करोड़ों रुपए के लहंगे, दुनिया के सारे फिल्म स्टार, नाच गाना डांस, रायबरेली वाला डांस नहीं, हाँ वो पैसे से खरीदा वाला डांस, बात सही की आपने। तो मीडिया वाले नरेंद्र मोदी का चेहरा, अदानी का चेहरा, अंबानी का चेहरा, अब आप पूछोगे भाई ये हो क्या रहा है। मैं आपको बताता हूं, अदानी का, अंबानी का, ऐसे 20 अरबपतियों का नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। आप जानते हो 16 लाख करोड़ रुपए कितना होता है? कोई नहीं जानता, आम आदमी नहीं जान सकता। मैं बता देता हूं आपको, अगर आप 24 साल का मनरेगा का पैसा इकट्ठा करो वो 16 लाख करोड़ रुपए है। नरेंद्र मोदी जी ने 24 साल का मनरेगा का पैसा 22 लोगों को दिया है। हालत यह है कि 22 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के हाथ में है। स्टेज पे यहां पे 22 लोग बैठे हैं, हिंदुस्तान में 22 लोग हैं जो हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों जितना धन रखते हैं और उनका कर्जा माफ हो रहा है। वो टीवी चलाते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी को टीवी पे लाते हैं। अच्छा प्रधानमंत्री की सैलरी क्या है जानते हो? प्रधानमंत्री का कितना है भाई? प्रधानमंत्री की सैलरी कितनी है? हाँ 2.5 लाख होती है। मुझे एक बात बताओ, ये 2.5 लाख रुपए की सैलरी है तो ये हर रोज 1 लाख रुपए का सूट कैसे पहनता है? ये दिन में 3 बार सूट बदलते हैं। एक सूट की कीमत 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए, दिन में 3 पहनते हैं, महीने में 90 हो गए, 1.5 लाख रुपए की सैलरी है तो ये इनके लिए सूट कौन खरीद रहा है, बूट कौन खरीद रहा है, कहां से आ रहा है? ये मीडिया कभी नहीं पूछेगी, कहेगी राहुल गांधी सफेद टी शर्ट क्यों पहन रहा है, 4,000 किलोमीटर की यात्रा की और रास्ते पे मैंने किसानों से पूछा, युवाओं से पूछा, आप क्या चाहते हो? और हिंदुस्तान के सामने क्या समस्याएं हैं, क्या मुश्किलें हैं? 3 जवाब मिले। युवाओं ने कहा बेरोजगारी, किसानों ने कहा हमें सही दाम नहीं मिलता, मजदूरों ने कहा हमें कम पैसा मिलता है, और महंगाई। ये हैं मुद्दे, ये आप कभी टीवी पे नहीं देख सकते, सवाल ही नहीं उठता। तो हमने निर्णय लिया है, कांग्रेस पार्टी ने, कि अगर नरेंद्र मोदी 22 अरबपति बना सकता है तो हम करोड़ों लाखपति बना सकते हैं। अब आप कहोगे राहुल गांधी ने क्या बोल दिया, करोड़ों लाखपति कैसे बनेंगे? मैं आपको बताता हूं, हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, सारे के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। भाई आप गरीब हो? आपका नाम क्या है? हाँ आलोक कुमार। आलोक कुमार का नाम और उसके परिवार के सब सदस्यों का नाम उस लिस्ट में जाएगा, करोड़ों नाम होंगे। हर परिवार में से एक महिला चुनी जाएगी,
और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 10,000 नहीं, 20-30 हजार नहीं, 50-70-80 हजार नहीं, 90 हजार नहीं, 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएंगे। आप 1 जुलाई को हिंदुस्तान में करोड़ों लोग जगेंगे। 8 बजे सुबह, 9 बजे सुबह वो अपना बैंक अकाउंट देखेंगे और उस बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार 8,500 रुपए डाल देगी। 1 जुलाई को होगा, 1 अगस्त को होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर महीने 8,500 रुपए ठगाठक 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 अंदर। अब यहां पे पुरुष कहेंगे ये क्या कर रहे हो राहुल जी, आप महिलाओं को क्यों पैसा दे रहे हो, हमें भी चाहिए। कहोगे तो समझाना पड़ेगा महिलाओं को क्यों देने। 21वीं सदी में आप काम करते हो, पुरुष काम करते हैं, स्त्री भी काम करती हैं। अगर आप मजदूरी करते हो वो भी करती हैं, आप जॉब करते हो वो भी करती हैं, फिर आप घर जाते हो, आप रेस्ट करते हो और फिर वो 8 घंटे एक्स्ट्रा काम करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं। सही बात है, गलत बात है? सही बात है। इसीलिए महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए जाने वाला है। मगर मैं यूपी और हिंदुस्तान के पुरुषों को भी जानता हूं, मैं जानता हूं कि वो पैसा जो महिला के बैंक अकाउंट में जाएगा एंड में वो आपके हाथ आएगा, अंत में आप प्रेशर डाल के कुछ ना कुछ तरीके से आप निकाल लोगे, तो दोनों का फायदा होगा। मगर इस पैसे से बच्चों की शिक्षा होगी, अगर स्वास्थ्य में अस्पताल जाने की जरूरत होगी तो अस्पताल में ये पैसा इस्तेमाल हो सकेगा। सोच क्या है कि हम हिंदुस्तान की जनता को पैसा देना चाहते हैं और यही काम हम बेरोजगार युवाओं के लिए कर रहे हैं। एक तरफ महिलाओं को 1 लाख रुपए, करोड़ों महिलाओं को, परिवार, गरीब परिवारों को, और दूसरी तरफ जो बेरोजगार युवा हैं, बेरोजगार वालों, यस। अच्छा भैया एक काम करो, नरेंद्र मोदी वाले जो नोटबंदी वाले बेरोजगार किए, हाथ दिखाओ जरा। ये आपने नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद किया कि आपने, उन्होंने आपको बेरोजगार बनाया, थैंक यू बोला? अदानी को धन्यवाद किया? कोविड आया, अस्पताल के सामने लोग मर रहे थे, वेंटिलेटर नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं भाइयों और बहनों थाली बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ, और मीडिया वाले कह रहे हैं ओ देखो भैया क्या प्रधानमंत्री है, क्या बात बोली, थाली बजाओ यार, थाली बजाओ, मजा आ गया, मजा आ गया। उधर सब लोग थाली बजा रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, कोविड धड़ाधड़ 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 फैल रहा है, लोग मर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं भैया थाली नहीं चली, चलो भाई मोबाइल फोन की लाइट चलाओ यार, मोबाइल फोन की लाइट चलाओ। और फिर बेरोजगार युवाओं से कहते हैं भाई और बहनों ऐसे करो, नाली में पाइप डालो, नाली में पाइप डालो, नाली में से गैस, उस गैस को जलाओ और पकौड़े बनाओ। वाह, और पूरी मीडिया ने ताली बजाई, भैया ये देखो प्रधानमंत्री ने क्या बोला, गैस आएगी नाले में से, नाले में से गैस, गैस जलाओ, पकोड़े बनेंगे। मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक। तो अब जिनको नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार किया, मैं आपसे 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। पहला काम, 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं, हमने चेक किया है 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं, 15 अगस्त तक वो 30 लाख नौकरियां आपके हवाले हो जाएंगी। आप लोग पेपर करते हो, पेपर लीक होता है, ईमानदार लोग पढ़ते हैं, बेईमान लोग पेपर खरीद के फर्स्ट आ जाते हैं।
जैसे ही हमारी सरकार आएगी नया कानून बनेगा, पेपर लीक वाले सीधे जेल में जाएंगे। और ये जो फैशन बना रखा है कि प्राइवेट कंपनियां पेपर चेक करती हैं, पास फेल करवाती हैं, ये सब बंद हो जाएगा। पेपर होगा तो सरकारी इंस्टीट्यूशन, सरकारी कंपनी पेपर चेक करेंगी, पास फेल वो डिसाइड करेंगी। अब तीसरी मजे की बात, जो शायद किसी सरकार ने, दुनिया की किसी सरकार ने आज तक नहीं किया, क्रांतिकारी काम। हम हिंदुस्तान के सारे बेरोजगार युवाओं को पहली नौकरी पक्की का अधिकार देने जा रहे हैं। बोलूंगा कॉलेज यूनिवर्सिटी डिप्लोमा होल्डर्स को एक अधिकार मिलेगा, अप्रेंटिसशिप का अधिकार, एक साल की नौकरी मिलेगी गारंटी, बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी, साल का 1,00,000 रुपया, महीने का 8,500 रुपए बैंक अकाउंट में ठकाठक। अब होगा क्या, महिलाओं को, गरीब परिवारों को हमने पैसा दिया, बेरोजगार युवाओं को हमने पैसा दिया, उनकी ट्रेनिंग हमने करा दी, ये नौकरी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में मिलेगी, सरकारी ऑफिसेज में मिलेगी। अब हमने गरीबों के जेब में पैसा डाल दिया, बेरोजगार युवाओं के जेब में पैसा डाल दिया, उनको ट्रेनिंग दे दी। नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों के जेब में पैसा डाला, उस पैसे से उन्होंने क्या किया, अमेरिका में जमीन खरीदी, दुबई में जमीन खरीदी, दुबई में बिजनेस खोला, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी। मगर जब हम गरीबों को पैसा देंगे आप क्या करोगे, आप शर्ट खरीदोगे, पैंट खरीदोगे, जूता खरीदोगे, स्कूटर खरीदोगे, ठीक है। जैसे ही आप ये माल खरीदना शुरू करोगे वैसे ही हिंदुस्तान की सारी बंद फैक्ट्रियां खुल जाएंगी, शुरू हो जाएंगी, काम करना शुरू कर जाएंगे। आपके जेब में पैसा जाएगा, आप माल खरीदोगे, आप शर्ट खरीदोगे, पैंट खरीदोगे, फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, फैक्ट्रियों में आपको रोजगार मिलेगा, आपको रोजगार मिलेगा, और पैसा आएगा, और माल खरीदोगे और फैक्ट्रियां खुलेंगी। और पहली बार 10 साल में पहली बार मेड इन इंडिया सचमुच में मेड इन चाइना का मुकाबला करेगा। मैं चाहता हूं कि ये देखो, ये फोन है, इस फोन के पीछे और ऐसे लाखों फोन के पीछे मेड इन चाइना लिखा हुआ है, राइट? हमारा सपना था, आईटीआई का सपना था कि हम यहां पे मेड इन इंडिया लिखें फोन के पीछे। यही सपना मैं पूरा करना चाहता हूं, इस फोन के पीछे मेड इन इंडिया, मेड इन रायबरेली, मेड इन अमेठी, मेड इन उत्तर प्रदेश। और इसका पहला कदम अप्रेंटिसशिप का अधिकार, पहली नौकरी पक्की, बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपए और बेहतरीन ट्रेनिंग। अब यहां पे किसान होंगे, वो कह रहे होंगे कि भाई राहुल गांधी ने महिलाओं की बात कर दी, युवाओं की बात कर दी, हमारी बात नहीं की। सबसे पहले ये जो अधिकार है पहली नौकरी का, ये आपके बेटे को भी जाएगा, बच्चियों के भी जाएगा। जो गरीब परिवारों को पैसा मिल रहा है उससे आपको भी फायदा होगा, मगर आप हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी हो, इसलिए स्पेशल काम आपके लिए करना पड़ेगा, किसानों के लिए। अब भारत छोड़ो यात्रा में किसानों ने मुझे दो बात बोली। पहली बात कही कि देखिए राहुल जी, हम कुछ भी मार्केट में खरीदते हैं कम से कम दाम का होता है, चिप्स पैकेट का दाम लिखा होता है, मगर जब हम अपना माल बेचते हैं हमें सही दाम नहीं मिलता। इसलिए पहला काम हम हिंदुस्तान के किसान के लिए कर रहे हैं, कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिससे हिंदुस्तान के सारे किसानों को धान के लिए, गेहूं के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए कम से कम दाम सरकार दिलवाएगी। और दूसरा काम, अरबपतियों का नरेंद्र मोदी ने कर्जा माफ किया, किसानों का हम कर रहे हैं।
मीडिया वाले जो लिखना है लिख लो, जो लिखना है लिख लो। हमने मनरेगा किया था, इन्होंने कहा मजदूरों की आदत बिगाड़ रहे हैं। हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, ये कहते हैं किसानों की आदत बिगाड़ने। नरेंद्र मोदी अदानी को लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ करके देता है, ये कहते हैं विकास हो रहा है। देखो देखो विकास हो रहा है, अरबपतियों को फायदा होता है, विकास कहते हैं उसको। किसानों को फायदा करते हैं, मजदूरों को फायदा करते हैं, बेरोजगार युवाओं को फायदा होता है, कहते हैं देखो आदत बिगाड़ने। तो जो लिखना है लिखो, आप अदानी के हो, आप हमारे नहीं हो, किसान के नहीं हो, मजदूर के नहीं हो, आप अरबपतियों के हो। हमें जो करना हम करने जा रहे हैं, सही बात। बात रही मजदूरों की, आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं उनकी, आज 250 रुपए मिलता है मनरेगा के लिए, जून 4 के बाद 400 रुपए हो जाएगा। और आंगनवाड़ी और आशा महिलाओं की आमदनी जून 4 के बाद दुगनी हो जाएगी। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। देखिए, आपने आज इतने प्यार से मेरा स्वागत किया, मोहब्बत से, दिल से, आपने दिल खोल के स्वागत किया, पारिवारिक स्वागत किया। जैसे घर में मेरी बहन मेरा स्वागत करती है या मेरा मां, मेरी मां मेरी स्वागत करती है, वैसा स्वागत आपने किया। और यहां पे मैं विपक्ष के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं, मगर एक बात जरूर कहूंगा, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये रायबरेली है, ये अंग्रेजों से नहीं डरे, यहां के लोग अंग्रेजों से नहीं डरे। ड्राइवरों की बात करता हूं, अभी बताता हूं। आपने बोला मैनिफेस्टो में हमने लिखा हुआ है, अभी बताता हूं। तो आपको किसी से डरना नहीं है, आपने अंग्रेजों को हराया है, आपने देश को रास्ता दिखाया है, और आने वाले समय में आप उत्तर प्रदेश और देश को रास्ता दिखाने जा रहे हो, मैं बता रहा हूं आपको। तो आपको किसी से डरना नहीं है, गुंडों से डरना नहीं है, दबना नहीं है, और ध्यान नहीं भटकना आपका। अब आपने ड्राइवर की बात की, आजकल ये जो ऊबर के ड्राइवर हैं, ओला के ड्राइवर हैं, ये जो गिग वर्कर्स हैं, ये 21वीं सदी के बंधुआ मजदूर हैं। नया सिस्टम बनाया है, इनको कभी भी निकाला जा सकता है, इनको कम से कम पैसा मिलता है, इनको कोई पेंशन नहीं मिलती, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती। हम कानून ला रहे हैं कि हिंदुस्तान के सारे ऊबर ड्राइवर, ओला ड्राइवर जो गिग वर्कर का काम करते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं, उन्हें ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्हें ये कंपनीज पेंशन देंगी। हर ट्रांजैक्शन में से थोड़ा सा पैसा इनके लिए काटा जाएगा और इनके भविष्य के लिए रखा जाएगा, और इनको पहली बार दुनिया में, शायद पहली बार उबर ओला के ड्राइवर्स को जो डिलीवरी करते हैं, उनको हम पेंशन देने जा रहे हैं। अच्छा, आखिरी बात आपने कही थी जो शायद सबसे जरूरी बात है, अग्निवीर। रायबरेली के युवा 5 बजे सुबह, मुझे याद है, अमेठी आता था, रायबरेली आता था, सड़कों पे ये लड़के 5 बजे सुबह रनिंग करते थे, 4 बजे रनिंग करते थे, पुशअप करते थे, पुलअप करते थे, वेट ट्रेनिंग करते थे। क्यों? क्योंकि इनमें देशभक्ति की भावना थी, इनके दिल के अंदर एक आग थी, देशभक्ति की आग थी, और ये बॉर्डर पे जाकर देश की रक्षा करना चाहते थे। अब नरेंद्र मोदी ने 2 तरीके के जवान बना दिए। एक जो गरीबों का बेटा होगा, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, गरीब जनरल कास्ट परिवारों का बेटा होगा, माइनॉरिटी का बेटा होगा, और दूसरा जो अमीर घर का बेटा होगा। जो गरीब घर का बेटा है, उसे उन्होंने एक नया नाम दिया है, अग्निवीर।
और उससे ये कह रहे हैं कि देखो अगर तुम शहीद होगे तो तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम अग्निवीर हो और तुम्हारा परिवार गरीब है, तुम्हें पेंशन भी नहीं मिलेगी, तुम्हें कैंटीन की सुविधा भी नहीं मिलेगी। अगर तुम शहीद हुए, तुम्हारे परिवार की, हिंदुस्तान की सरकार तुम्हारे परिवार की रक्षा नहीं करेगी। मगर अगर आप अग्निवीर नहीं हो, अगर आप सीनियर अफसर हो या चार में से आप एक हो, कैसे चुना जाएगा आप सबको मालूम है, मालूम है ना कैसे चुना जाएगा? हाँ, अगर आप वो हो तो आपको पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, मेडल मिलेंगे, कैंटीन मिलेगी और सरकार अंतिम क्षण तक आपके और आपके परिवार की रक्षा करेगी। मतलब सेना के अंदर इन लोगों ने दो हिंदुस्तान, दो तरीके के शहीद बना दिए। अभी हम ये मोदी ने क्यों किया? सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सेना अग्निवीर के खिलाफ है। हिंदुस्तान की सेना अग्निवीर नहीं चाहती है। नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के ऑफिस ने देश पर अग्निवीर योजना थोपी है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो पैसा जवानों के पेंशन में जाता है, जवानों की कैंटीन में जाता है, वो पैसा अदानी को डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से मिल जाए। ये सच्चाई है, आप पूछ लीजिए उनसे। ऐसी मीटिंग में कभी हाथ उठा के पूछिए, मोदी जी एक बात बताइए, आपने अग्निवीर योजना बनाई, गरीबों से पैसा छीना, डिफेंस का बजट बढ़ता जा रहा है, आप जवान से पैसा छीन रहे हो, पैसा कहां जा रहा है? चुप हो जाएंगे। पैसा सीधा अदानी अंबानी की जेब में जा रहा है, अरबपतियों की जेब में जा रहा है। तो अग्निवीर योजना को हम खत्म कर देंगे और जैसे पहले था वैसे कर देंगे। अच्छा, कल किसी ने यहां मुझे लिख के दिया, कल अमित शाह की मीटिंग में अजीब सी बात हुई, ये इन्होंने अपने मित्र को पीट दिया। ये पता नहीं कैसे हुआ, यहां पे उन्होंने यहां पे कहा, कोई मुझे नोट दिया है कि कल अमित शाह की मीटिंग में एक जर्नलिस्ट को बीजेपी वालों ने पीट दिया। मतलब अपने ही दोस्त को मार दिया उन्होंने। अब क्यों मारा? क्योंकि उसने पूछा कि ये भैया भीड़ को कितना पैसा मिला था मीटिंग में आने के लिए। तो शायद ये मीडिया वालों में एक ऐसा अच्छा मीडिया वाला मिल गया जो इनसे डरा नहीं और उसको इन्होंने अमित शाह की मीटिंग में पीट डाला। ये है हिंदुस्तान की सच्चाई। पहले मोदी जी 400 सीट की बात करते थे, 400 पार, अब 150 भी नहीं बोल रहे। मैं आपको एक बात की गारंटी दे रहा हूं, रायबरेली की जनता लिख लो, जून 4 को नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं होगा। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं, इतनी गर्मी में आप आए, मेरा इतना मूड सुधार दिया आपने, इतना अच्छा खुश कर दिया मुझे, दिल से आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय रायबरेली।